हम बात कर रहे हैं यूनिट टू की कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। ये 18 नंबर्स का चैप्टर है। हम इसके छोटी छोटी टर्म्स को लेके चलते हैं। सबसे पहले तो हमारी बात आती है, सबसे पहले व्हाट इज़ कंज्यूमर, कंज्यूमर किसे कहते हैं। ओके, तो कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु यूटिलाइज द फाइनल गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई हिज वॉन्ट। ओके, कि कोई भी वस्तु जब किसी कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन देती है, ठीक है, और कंज्यूमर उसकी सेटिस्फैक्शन को लेकर, ठीक है, उसके लिए पे करता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। तो कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को किससे नापा जाएगा, उसे नापा जाएगा यूटिलसिल से, ठीक है, यूटिलसिस, ठीक है। यूटिलसिस क्या होता है, ये हमारी नीड को पूरा करने की एक यूनिट है। ओके, तो हम बात करते हैं व्हाट इज़ यूटिलिटी। तो इट अमाउंट ऑफ द सेटिस्फैक्शन, हमें कितने अमाउंट में सेटिस्फैक्शन मिला, तो विच द कंज्यूमर गेट बाय द कंज्यूमिंग द गुड, ठीक है, कितने गुड को यूज़ करने से कितना सेटिस्फैक्शन मिला एंड सर्विसेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मैंने एक रोटी खाई, फिर उसके बाद मैंने दूसरी रोटी खाई, तो मुझे उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है। सेटिस्फैक्शन मेरा घटता चला जाएगा रोटी खाने के साथ साथ, पर मैं उसे नाप तो सकता हूँ, तो यानी कि वो मेरा क्या कहलाएगा, यूटिलिटी कहलाएगा, क्लियर। तो यूटिलिटी कैन बी द क्लासीफाइड इज द टोटल यूटिलिटी। हम यूटिलिटी को टोटल यूटिलिटी भी कहते हैं, ठीक है, एवरेज यूटिलिटी भी कहते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। यानी कि एग्जाम के तौर पे 12th क्लास स्टैंडर्ड में इसे तीन हिस्सों में बांट दिया जाता है, क्लियर। तो अब पहले बात आती है टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन विच द कंज्यूमर गेट बाय कंज्यूमिंग टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। जब कोई कंज्यूमर किसी भी चीज़ की फुल यूटिलिटी लेता है, यानी कि हर उसकी हर यूनिट का यूज़ करता है, उसका टोटल ही टोटल यूटिलिटी कहलाता है। एग्जांपल से समझते हैं, मैंने कहा फॉर एग्जांपल U1 इज़ फर्स्ट यूटिलिटी, U2 इज़ सेकंड यूटिलिटी एंड नंबर ऑफ देन, तो इन सबका अगर मैं टोटल कर दूँ तो यही मेरी क्या कहलाएगी, टोटल यूटिलिटी, डन। फिर बात आती है व्हाट इज एवरेज यूटिलिटी। तो इट इज़ पर यूनिट सेटिस्फैक्शन, ये मेन वर्ड है इसका, पर यूनिट सेटिस्फैक्शन बाय द कंज्यूमिंग, ओके, कंज्यूमिंग द यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल यूटिलिटी, ओके, डिवाइडिंग बाय टोटल यूटिलिटी विद द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बात, एक सिंपल सी बात हम याद कर सकते हैं कि जब टोटल यूटिलिटी को कंजप्शन की यूनिट से डिवाइड कर दें तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एवरेज यूटिलिटी। ओके, ये ऐसे समझ सकते हैं, मैंने 5 यूनिट का यूज़ करा, ठीक है, और मुझे टोटल यूटिलिटी थी मेरी 10, तो यानी कि मेरी EU कितनी आ गई, एवरेज यूटिलिटी, तो एवरेज यूटिलिटी आ गई मेरी 2, क्लियर। तो इस तरीके से हम यूटिलिटी को निकाल सकते हैं, क्लियर। आगे बात आती है मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, इसे याद रखना बहुत आसान है, ये ऐसा समझे कि आपने एक गिलास पानी पिया, ठीक है, उसके बाद जब दूसरे गिलास पानी पिया तो आपकी यूटिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि प्यास बुझ जाती है, है ना। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ, जब मैं पहले वाले टोटल यूटिलिटी को दूसरे वाले टोटल यूटिलिटी से माइनस कर दूं तो उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और इसकी डिफाइन को बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, इट इज़ द एडिशनल, ठीक है, एडिशनल टू द टोटल यूटिलिटी, यानी कि एडिशनल का मतलब नेक्स्ट यूनिट। ओके, यानी जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये 10 है, इसके नेक्स्ट यूनिट, ओके, तो ये मेरी क्या हो गई, एडिशनल, ठीक है, एडिशनल ऑफ द टोटल यूटिलिटी टू द कंज्यूमिंग एंड द एडिशनल यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी। ओके, जब मैं किसी कॉमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट का यूज़ करता हूँ तो उसके बीच के डिफरेंस को, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, जैसे यहाँ देख भी सकते हैं आप कि 18 - 10 इज इक्वल टू 8, ओके, फिर 24 - 8 इज इक्वल टू 6, क्लियर, ऐसी 28 - 24 इज इक्वल टू 4, ओके, इसी तरीके से 30 - 30 इज इक्वल टू 0 एंड 28 - 30 इज नेगेटिव। तो इससे हमें पता लगता है कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकती है, ओके, पर जो हमारी एवरेज यूटिलिटी होती है, एवरेज यूटिलिटी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, क्यों, क्योंकि वो एवरेज होता है किसका, टोटल यूटिलिटी का और यूनिट्स का, क्लियर। यूनिट ऑफ चपाती, मैं इतनी रोटी खा रहा हूँ, टोटल यूटिलिटी मिलने वाली है, तो इन्हें हम डिवाइड करते हैं, जैसे 10 / 1, 10 / 1 इज इक्वल टू 10, डन। 18 / 2 इज इक्वल टू 9, 24 / 3 इज इक्वल टू 8, ओके, 28 / 4, ओके, इज इक्वल टू 7। तो इस तरीके से हम क्या निकाल रहे हैं, ये क्या निकाल रहे हैं, एवरेज यूटिलिटी। बात समझ आ गई,
क्लियर है कैसे निकलता है, तो एग्जाम में कभी कभी निकालने के लिए आ जाता है। ओके, अब बात करते हैं रिलेशनशिप की, कि हमें अब बात इतनी समझ आ गई भाई टोटल यूटिलिटी क्या होता है।